कार्तिक पूर्णिमा पर गर्जिया मंदिर में गंगा स्नान से रोकने पर स्थानीय लोगों के साथ ही श्रद्धालुओं में रोष। धर्मशास्त्रियों और आचार्यों ने कहा कि बिना विचार विमर्श के लिया गया फैसला। बता दें कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर प्रसिद्ध गर्जिया मंदिर में गंगा स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। सुबह से ही गर्जिया मंदिर के पास स्थित कोसी नदी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ स्नान के लिए जुटती है। वहीं आज सुबह से ही कार्तिक पूर्णिमा पर गर्जिया मंदिर में स्नान के लिए दूर दराज से आने वाले भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई थी, पर मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन द्वारा मंदिर में स्नान और भक्तों के दर्शन के लिए कोसी नदी का जलस्तर बड़ा होने से सुरक्षा के दृष्टिगत मंदिर में भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया था। वहीं सुबह से ही मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर जगहों से गर्जिया मंदिर में स्नान के लिए आने वाले भक्तों की भीड़ उमड़ी। वहीं भक्तों में रोष भी देखा गया। भक्तों ने कहा कि चंद्र ग्रहण होने की वजह से मंदिर परिसर का बंद होना तो जायज है, लेकिन स्नान तो तीर्थ स्थलों पर चल रहा है तो यहाँ पर क्यों रोका गया है। उन्होंने कहा कि ये हम दूर दराज से आने वाले लोगों की आस्था पर चोट है। हम सर रुद्रपुर से आए हैं यहाँ पे गंगा स्नान करने के लिए गिरजा मंदिर में। यहाँ पे पुलिस वाले लोग हमको जाने नहीं दे रहे, गेट बंद कर रखे हैं। हम आए थे बहुत आशा लेके कि गंगा नहा के जाएंगे, और सर दूर दूर भी है, हरिद्वार भी है, ऋषिकेश भी है, सारी जगह लोग नहा रहे हैं, यहाँ पे हमें वापसी कर रहे हैं। तो हम गंगा मैया को क्या बोले, हम आए थे आशा लेके नहाने, क्यों नहीं जाने दे रहे हम लोग, क्या है यहाँ पे 2:30 बजे के ग्रहण है, अभी से बंद कर रखे हैं इन लोगों ने। मंदिर नहीं जाने दे, हमें गंगा तो नहाने दे, हमें बड़ा अफसोस है। बच्चे लेके आए थे छोटे छोटे हमारे साथ थे, हम किराए भी लगाए हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। जी जी, रुद्रपुर उधम सिंह नगर से आए हैं हम लोग। तो आज गंगा स्नान का पावन दिन था, तो हम लोग स्नान करने आए थे और मथा टेकने आए थे, लेकिन यहाँ आए तो सारी व्यवस्था ही दिख रहा उल्टा है, किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। बोल रहे कि चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, चलिए ठीक है मंदिर ना जाए हम, ऐसे स्नान तो करने दे सकते हैं। अभी इतनी दूर से हम पूरी फैमिली लेके आए हुए हैं, किराया भाड़ा सब कुछ लगा के आए हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारा गर्जिया माँ आस्था का केंद्र है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, परंतु मंदिर समिति के लोगों द्वारा ये कहा गया है कि आज चंद्र ग्रहण है, जबकि चंद्र ग्रहण में केवल मंदिर सूतक होते हैं, मंदिर के दर्शन। जहाँ तक स्नान की बात है, चाहे सूर्य ग्रहण हो चंद्र ग्रहण हो, उसमें गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, और आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। ये तो इसमें आज यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर चाहे कोई यूपी से छुआर, रामपुर, टांडा, रुद्रपुर के लोग, तमाम लोग आए हैं, उनको यहाँ पर गर्जिया में जाने से रोका जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक तो चंद्र ग्रहण है और नंबर दूसरा यहाँ पर कुंड है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर कुंड बन गए हैं तो मेला समिति को वहाँ पर JCB लगाकर उन गड्ढों को भरकर यहां पर मेला चलाना चाहिए था, जो कि लोगों का आस्था का केंद्र है। वहीं इसको लेकर धर्मशास्त्री रमेश जोशी का कहना है कि ये फैसला लेने से पहले मंदिर समिति को धर्मशास्त्रियों और आचार्यों से भी विचार विमर्श करना चाहिए था।